नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ग्राफिक्स गुरु में। और जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप सीखने वाले हैं इस वीडियो से कि रेजोल्यूशन क्या होता है, मेगापिक्सल क्या होता है और पिक्सल टू प्रिंट साइज क्या होता है। तो इसको सरल हिंदी में अपने देखेंगे। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, स्किप कर करके नहीं देखना है। आज तक जितने भी आपने वीडियोस YouTube पे देखे होंगे, मैं दावा करता हूँ उन सबसे बेस्ट वीडियो ये होगा। और मैंने सभी वीडियोस को चेक करके देख के उसके बाद जो चीज़ें सही से नहीं बताई गई हैं या फिर गलत बताई गई होंगी, उनको मैंने यहाँ क्लियर किया है बड़े ही बढ़िया तरीके से। तो चलिए सीखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्टार्ट करते हैं रेजोल्यूशन के साथ कि रेजोल्यूशन क्या होता है। अब देख लीजिए कि एक फ़ोटो में कितने कुल पिक्सल हैं, उसी को कहते हैं रेजोल्यूशन। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी एक डेफिनेशन हो गई कि एक फ़ोटो में कितने पिक्सल है उसको रेजोल्यूशन कहते हैं। लेकिन ये एक डेफिनेशन रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, आपको पूरा तह तक जाना पड़ेगा कि ये क्या पंगा है रेजोल्यूशन का। तो स्टार्ट करते हैं, एक और वे भी होता है इसको बताने का, काफ़ी लोग इसे रेजोल्यूशन इसे भी कहते हैं, जैसे कि 1536 और आप देखते हैं 2048 पिक्सल, यानी हाइट और विड्थ किसी भी इमेज की, हाइट और विड्थ कितनी है उसे रेजोल्यूशन कहते हैं। तो आपने ये वाला जो हाइट और विड्थ है ये बहुत सारी देखी होगी, जैसे कि 1024 यानी 1024 × 768 करके होती है, जो बेसिकली एक वॉलपेपर की हाइट होती है। बड़ी स्क्रीन्स जैसे जैसे जाते हैं उसमें अलग अलग होती हैं। और अगर आप एक मैं इस वीडियो में लास्ट में टेबल भी शेयर करूंगा जिसमें सारे साइजेस के बारे में बताया गया होगा। आप चाहे मॉनिटर स्क्रीन लेते हैं, टीवी स्क्रीन लेते हैं या फिर कोई अलग अलग टाइप के वॉलपेपर्स होते हैं तो उनके साइजेस होते हैं अलग अलग। तो उस जो साइज़ होता है हाइट और विड्थ, उसे हम रेजोल्यूशन कहते हैं। चलिए इससे आगे की बात देखते हैं। इतना तो मेरे ख्याल से सभी वीडियोस बताते हैं, सभी चैनल वाले बताते हैं। अभी अपने आगे चलते हैं नेक्स्ट कि यहाँ एक स्पेशल ट्यूटोरियल क्या है। चलिए यहाँ आप देख रहे हैं जैसे कि 1536 और 2048 पिक्सल का ये हाइट और विड्थ के अंदर एक इमेज आपके सामने दिखाई दे रही है। अगर हाइट और विड्थ को यानी लंबाई और चौड़ाई को हम लोग गुना कर देते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं ये गुना किया तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई है वो है 3345728। यानी ये जो होते हैं वो पिक्सल्स होते हैं, यानी कि ये इमेज जो फ़ोटो आप यहाँ देख रहे हैं वो कितने पिक्सल्स से बनी है, उस इमेज में कितने पिक्सल हैं वो आपके सामने आ रहा है। यानी कि ये जो इमेज आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसके अंदर 3345728 पिक्सल्स हैं। ओके, तो ये कहलाता है हमारा मेगापिक्सल भी। तो ये जो 3345728 पिक्सल्स आप देख रहे हैं उन्हीं से बनता है मेगापिक्सल। तो आपने मेगापिक्सल भी बहुत बार नाम सुना होगा कि ये मोबाइल का कैमरा है, ये इतने मेगापिक्सल का है, ये डिजिटल कैमरा अलग है, ये कितने मेगापिक्सल का है। तो उस मेगापिक्सल पे भी डिपेंड करता है कि आपकी फ़ोटो का साइज़ क्या होगा। तो अगर आप पिक्सल्स जो देख रहे हैं इनको गुणा करके टोटल पिक्सल्स निकालते हैं और फिर उसको मेगापिक्सल में कन्वर्ट करते हैं, या फिर इसका उल्टा भी ले सकते हैं आप, कितने मेगापिक्सल में कितने पिक्सल्स होंगे वो भी आप काउंट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा लेकिन इतनी बड़ी चीज़ है नहीं। अगर आप आगे का वीडियो देखते हैं तो आपको पूरी डिटेल में क्लियर हो जाएगी हर एक बात। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड में आप यहाँ देखेंगे जो कि कैलकुलेशन थी, मैं आपको बताने वाला हूँ कि बहुत ही आराम से इजी तरीके से बताने वाला हूँ कि ये कैलकुलेशन कैसे होती है। दोस्तों ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, आपका इंटरव्यूज़ में भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग या प्रिंट मीडिया से रिलेटेड कहीं पर भी जॉब पर अप्लाई करते हैं। तो ये आपका टेक्निकल नॉलेज है जो होना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए तो ये कैलकुलेशन जो आप देख रहे हैं वो 3.1 मेगापिक्सल कैसे आई, यानी 31 लाख में से आपने अगर देखा तो 3.1 वहाँ है और 3.1 यहाँ है, तो आपको कुछ आइडिया तो हो ही गया होगा। चलिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कैलकुलेशन। 1 मेगापिक्सल में अप्रॉक्स जो है वो हैं 10 लाख पिक्सल्स। 10 लाख पिक्सल्स होते हैं उससे एक मेगापिक्सल बन जाता है। तो अगर हमारी यहाँ वैल्यू 3145728 पिक्सल्स हैं तो उसे हम डिवाइड कर देंगे यानी भाग कर देंगे 10 लाख से,
तो हमारे पास वैल्यू आती है 3.1 मेगापिक्सल। तो दोस्तों आपने इस ट्यूटोरियल में अभी तक, आगे भी बहुत कुछ है लेकिन अभी तक आपने ये जान लिया है कि किसी भी साइज की इमेज से हम ये कैसे पता लगाएं कि वो कितने मेगापिक्सल कैमरा से क्लिक की गई है, तो ये आप पता लगा सकते हैं। चलिए अब आगे की बात, क्या बहुत सारे लोगों में ये सवाल होता है कि कितने मेगापिक्सल की फ़ोटो से कितना बड़ा प्रिंट निकलेगा, या फिर इसका उल्टा ले लीजिए, किसी एक साइज़ का, मान लीजिए कि आपका जैसे 6x8 की फ़ोटो निकालनी है, आपने 8x10 की फ़ोटो निकालनी है, प्रिंट निकालना है, या A4 साइज़ का प्रिंट निकालना है, ये जो प्रिंट्स होते हैं 8x10 का, 8x11 का, ये वैसे तो कोई भी साइज़ का आप देख सकते हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे भी, कोई भी एक स्पेसिफिक साइज़ की आपने अगर प्रिंट निकालना है जो कि साफ निकले, तो आपने कितने मेगापिक्सल की फ़ोटो लेनी होगी, यानी हमारे पास कितने मेगापिक्सल की फ़ोटो होनी चाहिए, या फिर कितने रेजोल्यूशन की होनी चाहिए, मतलब कि कितनी हाइट और विड्थ इमेज की होनी चाहिए, लंबाई चौड़ाई, तो उससे साफ प्रिंट निकले। तो ये जो कैलकुलेशन है ये बहुत ही इजी सी कैलकुलेशन है, जो ऊपर मैंने आपको बताई है कुछ वैसा सा ही होगा ये भी। यहाँ अगर आप देखें तो 480 और 640 पिक्सल, यानी इस साइज़ में अगर आपके पास कोई भी फ़ोटो है जो कि 300 dpi पे आपने फोटोशॉप में रेडी की है। DPI के बारे में अगर नहीं पता है तो मेरा पिछला वीडियो आप लोग ज़रूर देख लें, बहुत ही ज़रूरी है DPI, और उससे पिछला वीडियो अगर देखें तो PPI के बारे में बताया गया है। तो PPI क्या है, DPI क्या है, ये दोनों चीज़ें मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से सभी टाइप की वीडियोस YouTube पे चेक करके उनसे बेटर वे में मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप यहाँ देखते हैं, जो ये साइज़ आपने अगर बना लिया है तो आपके माइंड में ये होगा कि मेरे पास तो यही साइज़ की फ़ोटो है, और अब इस साइज़ की फ़ोटो से कितना बड़ा प्रिंट निकल सकता है, तो वो मैं आपको इजी वे में यहाँ बताने वाला हूँ। ये देखिए, अगर आपकी फ़ोटो 300 dpi के अंदर बनाई गई है फ़ोटोशॉप में, और तो आप ये करेंगे 640, यानी कि जो यहाँ पे विड्थ जो आ रही है चौड़ाई इसकी, 640 को भाग कर देंगे 300 dpi से, यानी 300 से आप इसको भाग कर देंगे तो आपके पास आता है 2.1 आपके पास आ जाता है। यहाँ पे ऐसे ही आप हाइट को भी करेंगे, 480 पिक्सल को अगर आप 300 से डिवाइड कर देते हैं तो 1.6 आ जाता है, यानी 1.6 आ जाता है। तो हम कह देंगे कि भाई लगभग 2x1.5 की आपके पास जो प्रिंट है वो लगभग सही आएगा, बिल्कुल साफ़ और क्लियर प्रिंट आएगा। इससे बड़ा अगर आप प्रिंट इस फोटो से निकालोगे तो आपके पिक्सल्स जो हैं वो साफ़ नहीं दिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि पिक्सल्स फैलेंगे और फैलने पे वो इमेज साफ़ नहीं दिखती है। ये जो पूरा लॉजिक होता है, पिक्सल फैलना, फ़ोटो साफ़ ना आना, ये सारा मैं PPI और DPI के अंदर अच्छे से बहुत ही बढ़िया तरीके से इमेजेस और डायग्राम्स के साथ मैं बता चुका हूँ। चलिए तो अब इसका उल्टा अगर लेते हैं, चलिए पिछले का मैंने बता दिया आपको कि ये 2.1 × 1.6 इंच का प्रिंट निकलेगा उससे, और अगर इसका उल्टा लेके चलते हैं, उल्टा क्या मतलब कि आपको ये मालूम है कि मैंने 8x10 का प्रिंट निकालना है, तो अब आपको इस साइज की बढ़िया क्वालिटी की प्रिंट हो जाए उसके लिए क्या साइज का, यानी कि पिक्सल्स, कितने पिक्सल्स का कैमरे की फ़ोटो होनी चाहिए, या फिर आप अगर फोटोशॉप में फ़ोटो तैयार कर रहे हैं 300 dpi में, तो कितने पिक्सल की फ़ोटो आपने कम से कम बनानी पड़ेगी ताकि आपका ये 8x10 का जो है वो साइज़ निकल सके। चलिए तो इसके लिए सिंपल सी कैलकुलेशन है, 300 dpi पे आप बना रहे हैं, अगर तो 10 गुना करेंगे 300 से 3000 आ गया, और 8 को गुना करेंगे 300 से तो ये 2400 आ गया। तो इसका मतलब बिल्कुल इजी सी कैलकुलेशन है, बहुत ही आराम से आप इस चीज़ को देख सकते हैं, 3000 × 2400 ये आपने जो है हाइट और विड्थ की पिक्सल की आपने इमेज फोटोशॉप में रेडी करनी होगी, ताकि आपके पास कितने जो 8x10 की प्रिंट निकल सके उसके लिए आपने इतने मेगापिक्सल की फाइल बनानी पड़ेगी। चलिए अगर यहाँ देखें तो ये निकल के आता है लगभग
72 के आसपास, और यहाँ 7.2 जो है 7.2 मेगापिक्सल का कैमरे से अगर आप फोटो क्लिक करते हैं तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इससे अगर ज़्यादा के कैमरे से करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर इससे कम मेगापिक्सल के कैमरा से अगर आप क्लिक करते हैं फ़ोटो और उसको सोचें कि आप उसको 8x10 में क्लिक कर लेंगे तो वो इतनी क्लियर नहीं आएगी जितने की 7.2 या इससे ऊपर के कैमरा से क्लिक की हुई फ़ोटो आएगी। चलिए तो ये था दोस्तों मेरा ट्यूटोरियल आज के लिए, और इसमें मैंने आपको रेजोल्यूशन बता दिया है, मेगापिक्सल बता दिया है, और पिक्सल टू प्रिंट साइज़ या फिर इसका उल्टा प्रिंट साइज़ टू पिक्सल के बारे में भी बता दिया है। तो काफ़ी सारी आपके सामने जो क्वेश्चंस थे वो क्लियर हुए होंगे। अभी मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ एक टेबल जिसमें कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि कितना मेगापिक्सल के कैमरे से क्या इमेज का रेजोल्यूशन होता है और फिर उससे कितना बड़ा साइज़ निकाला जा सकता है। जैसे कि 5 मेगापिक्सल का अगर आपके पास कोई कैमरा है तो उससे 25, 80, 19, 44 जो साइज़ होता है यानी कि रेजोल्यूशन जिसे हम कहते हैं हाइट और विड्थ फ़ोटो की, वो इमेज क्लिक करेगा कैमरा। मतलब कि अगर 5 मेगापिक्सल की क्लिक की हुई इमेज को हम ओपन करते हैं, हम खोलेंगे फ़ोटोशॉप में, तो वहाँ देखेंगे कि 25, 80, 19, 44 साइज़ की यानी रेजोल्यूशन की फ़ोटो हमारे सामने है, और उसका अगर प्रिंट निकालेंगे प्रिंटर में तो 6.4 इंच गुना 8.5 इंच का हम प्रिंट निकाल सकेंगे 300 dpi पे। तो इसी तरह से आप दोस्तों इस टेबल के हिसाब से अपनी इमेजेस वगैरह अगर रेडी कर सकते हैं आप। और ये जो टेबल है इसकी JPG जो है उसका लिंक मैं यहाँ पे नीचे दे रहा हूँ, मेरे ब्लॉग का लिंक है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ एक ब्लॉग पोस्ट ओपन होगी और वहाँ ये वाली फ़ोटो आपको वहाँ मिल जाएगी। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अपने PC में सेव करके रखिए, कभी भी आपको प्रॉब्लम हो तो इसको देख के आप सही कर सकते हैं। अदरवाइज़ दोस्तों आप गूगल पे कभी भी सर्च कर सकते हैं मेगापिक्सल टू इमेज रेजोल्यूशन और प्रिंट साइज़, ऐसा कुछ भी लिखेंगे तो बहुत सारे टेबल्स आएंगे अलग अलग, उसमें साइजेस के बारे में और भी ज़्यादा हो सकता है आपको बताया हो, लेकिन मोस्टली जो यूज़ हो रहे हैं वो ये हैं, इससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं। तो दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ग्राफिक्स गुरु को, और पास में आ रहे बेल के सिंबल पर भी क्लिक कर लीजिएगा। मुझे आपसे यही हेल्प चाहिए और मैं आपकी हेल्प हमेशा इसी तरह से करता रहूँगा। धन्यवाद।